कि ये पहली विशाल जनसभा को जिसको हम नव संकल्प के रूप में मनाने जा रहे हैं, उसमें विराजमान पार्टी के जननायक जनता पार्टी के नूरे कारवां, हमारे मुखिया चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आप सबके अजीज जिनको आप प्यार की भाषा से छोटा देवीलाल कहते हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे बीच में विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान डॉक्टर केसी भांगड़ साहब, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं चेयरमैन खादी बोर्ड श्री राजेंद्र लेताणी जी, पार्टी के बहुत ही आदरणीय दोनों हमारे मंत्रीगण श्री देवेंद्र बबली जी, श्री अनूप धानक जी, हमारे आदरणीय विधायकगण, आज की इस जनसभा के आयोजक और सभी सोनीपत जींद के सभी साथी, उनके साथ श्री अमरजीत डांडा जी, हमारे बीच में वजूद चौधरी ईश्वर सिंह जी, हमारे विधायक चीका से, विधायक बरवाड़ा से आदरणीय जोगी राम जी सिहाग साहब, आदरणीय श्री बहन शीला भ्याण जी, हमारे बीच में मौजूद जिला के दोनों अध्यक्षगण श्री कृष्ण राठी जी, श्री राज सिंह दैया साहब, हमारे बीच में विराजमान श्री रविंद्र सांगवान जी जुआ के प्रधान हैं, आदरणीय चेयरमैन सुमित राणा जी, ठाकुर राम मेहर जी, आदरणीय श्री चेयरमैन पवन खरखौदा जी, भूपेंद्र मलिक जी, पूर्व विधायक रमेश खटक जी, श्री मती बबीता दैया जी, मोहसन चौधरी जी, पूर्व विधायक राम कुमार जी कटवाल साहब, धर्मपाल जी रिटायर्ड एक्शन, सभी आदर के योग सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवान साथियों, मैं एक दो मिनट सिर्फ आपके बीच में रहूंगा क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने राजस्थान का उनका कार्यक्रम, ऐसी जनसभा को संबोधित करना है। दोस्तों, पार्टी को 4.5 वर्ष बने हुए और मुझे वो दिन याद आता है 9 दिसंबर 2018 का, जब जींद की पांडू भंडारा की पावन धरा पे पार्टी का नामकरण हुआ, पार्टी का आगाज हुआ। और दोस्तों, आप लोगों ने पूरी मेहनत से पार्टी को 17.5% वोट और 10 विधायक देने का काम किया। इन 4.5 वर्षों का जो पार्टी का जीवन है, इसमें कई इम्तिहान आपको पार करने पड़े। आप लोगों ने पार्टी को पूरे दमखम के साथ समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया। दोस्तों, कई बार हमें लोग ये कहते हैं, प्रेस के साथी भी पूछते हैं कि दो पार्टियां चौधरी देवीलाल जननायक जी का नाम लेती है कि विरासत हमारे पास है। हम उनको ये बात कहते हैं कि जब पार्टी से हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुए, तो सारा पार्टी का धन सामान, झंडा डंडा सब उनके पास छोड़ करके खाली हाथ आए और 23% वोट और 20 विधायक दे करके आए और ये कह करके आए कि संभाल करके रखना। दोस्तों, आज ये पोजीशन है कि 23% वोट की जगह 1.5% वोट बचा है और 20 विधायकों में से एक विधायक बचा है। इससे अंदाजा लगा लें कि जननायक की विरासत किसके पास है। दूसरी तरफ खाली हाथ आने वालों के पास, जो खाली हाथ आए थे आज 10 विधायक, 17.5% वोट है, वो आपकी बदौलत है, आपकी कृपा से, आपके समर्थन और सहयोग से है। मैं तो आपको एक ही आवेदन निवेदन करूंगा कि पार्टी ने नारा दिया है मिशन दुष्यंत 2024। मैं निवेदन करता हूं कि हर कार्यकर्ता की जुबान पे ये स्लोगन, ये नारा होना चाहिए, मिशन दुष्यंत 2024। आज से जो आगाज हुआ है चुनावी वर्ष का, चुनावी साल का, दोस्तों उसमें हम सब लोगों ने जूझना है। आज पहला जो इम्तिहान था
जो ये लोकसभा की पहली ये जनसभा थी वो आपने पूरी तरह से कामयाब की। मैं आप सबको सोनीपत लोकसभा के सभी सम्मानित साथियों को बधाई देता हूँ, आपके विधायक डांडा जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि अपने इस छोटे देवीलाल को और आगे बढ़ाने के लिए और ताकत देने के लिए आपको एक साल मेहनत करनी होगी। दोस्तों, इस 17.5% को बढ़ा करके आपको 51% करना होगा ताकि पूरी ताकत पूरी अक्सरियत आपकी जननायक जनता पार्टी के पास हो और जो काम आपके रह गए, हालांकि बहुत सारी मेहनत दुष्यंत चौटाला जी ने की, हमारे विधायकों ने की, मंत्रियों ने की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कही हुई, बुढ़ापा पेंशन की बात की, एक टीस जरूर दुष्यंत जी कहते हैं मेरे मन में है और जिस दिन दाव लगा वो भी पूरी करने का काम करूंगा, लेकिन वो ताकत देने के लिए आप लोगों को जूझना होगा और मेहनत करनी होगी। आने वाले समय में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव आए, उससे पहले जननायक जनता पार्टी को इतना ताकतवर करें, इतना मजबूत करें, अपने छोटे देवीलाल को इतना मजबूत करें कि आपके पास वो हरियाणा की बड़ी कलम हो, आपको किसी के आगे जाकर के हाथ ना फैलाने पड़े। जननायक जनता पार्टी पूर्ण तौर पे सक्षम हो, मजबूत हो और आने वाले समय में एक मुख्य मंत्री के तौर पर आपका अजीज आपकी सेवा करने के लिए सक्षम हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।